मैं जैसा मेरे विषय में बताया देखिए मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं आप सब जानते हैं वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा फिर जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले बंद होने लगे वो भी शराब में ही बंद हो रहे थे तो आज जो एक घटना मेरे साथ गुप्ता जी घटी वो घटना आपको बताता हूं आशुतोष भाई बहुत अच्छा संचालन करते हैं आप और इतनी बढ़िया शानदार घटना घटी आप सबको मज़ा आ जाएगा मंच के लिए भी बिल्कुल नई बात है मैं जब इस कार्यक्रम के लिए आया इतना बढ़िया हॉल सारी व्यवस्था अच्छी समय से बहुत पहले आ गए थे तो तब तक पब्लिक आई नहीं थी मैंने सोचा बोर हो रहे हैं चलो बाहर चल के थोड़ा चाय वगैरह पिया जाए तो यहाँ से निकल करके मैं गया बाहर एक दुकान है चाय की मैं वहाँ पर चाय पीने लगा बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं मैं जैसे ही चाय पीने लगा तो एक कुत्ता आ गया अब मेरे भीतर दया जगी मैंने कहा कुत्ता आया है इसको कुछ देना पड़ेगा मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया मैंने उस पैकेट को खोला एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका इतनी ही दया जगी थी तो एक बिस्कुट निकाला कुत्ते की तरफ फेंका कुत्ते ने यूं लपका लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट एक मिनट में बारह बार पलटी मारी नीतीश कुमार से भी ज्यादा बारह बार पलटी मारी में घबरा गया मैंने अच्छा। यार, क्या हो गया इसको मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में यह तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता वाह तो चाय वाले का जवाब सुनना और आप सबको आनंद आ जाएगा चाय वाले से मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया नहीं तो मैं भी ऐसे ही पलटी मार रहा होता तो चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए बिस्कुट पतंजलि का है <laughs> <laughs> खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है तो मामला बिल्कुल ही अद्भुत है क्या बात है <laughs> देश अपना बहुत अद्भुत है यहाँ पर तो आप लोग साहित्य के सृजक हैं अध्यापक लोग हैं अध्यापकों को तो मैं स्कूल टाइम से भी दूर से प्रणाम करता था <laughs> पास जाने की हिम्मत तब भी नहीं होती थी अभी भी आप लोगों को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ लेकिन मैं एक घटना आपको और बताता हूँ यहाँ दिल्ली में बिहार वालों पर बहुत आरोप लगते हैं कि बहुत सारे बिहारी या दिल्ली आ जाते हो मैं हमेशा कहता हूं इसमें हम बिहारियों की कोई गलती नहीं है सारा कसूर इन दिल्ली वालों का है अच्छा ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं कीर्तन मंडली बुलवाते हैं फिर भजन करवाते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते हमें ट्रेनों में ठुसठ कर आना पड़ता है वाह 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 भाई शंभू बहुत अच्छे तो हमारा तो मामला अद्भुत है मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा बोले निकल यहाँ से अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुछे मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो बोला तुझे कल भी मना किया था अगले दिन मैं बुरका और के चला गया मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो बोला भाई साहब आपको दो दिन से मना कर रहा हूँ हम बिहारियों को टीवी नहीं देते मैंने कहा ठीक है दे लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है <laughs> ये जो माइक्रोवेव जी टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया बिल्कुल नई बात दादा यहाँ पे सर्वेश जी बैठे हैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिलना होता आप में से भी कोई एक आध डॉक्टर तो होंगे ही प्रणाम करता हूं डॉक्टरों को मैं दूर से प्रणाम करता हूं नजदीक से भी करता हूं जीवन में कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टरों को कभी भी नाराज नहीं करता क्योंकि डॉक्टर जो है वो धरती पर भगवान का रूप होते हैं होते हैं कि नहीं वैसे अगर कभी भगवान आपसे नाराज हो जाए तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है और आपने अगर गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो आपका भगवान के पास जाना तय है तो एक डॉक्टर भाई साहब ऑपरेशन थिएटर में घुसा विष्णु जी एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में घुसा मरीज लेटा हुआ है मरीज को देखते ही डॉक्टर ने कहा पांडे घबराओ मत इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया ऑपरेशन थिएटर में मरीज उठकर बैठ गया डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का इलाज करने आ गए मेरा नाम पांडे नहीं है तो डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूं पांडे मेरा नाम है मैं खुद से कह <laughs> मैं खुद से कह रहा हूं पांडे घबराओ मत तो इतने में वो देखा मरीज ने कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला तो पूछा कि ये क्या है बोले अरे ये मेरा पहला ऑपरेशन है सक्सेस हो गया तो मेरे लिए नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए तो मामला बिल्कुल अद्भुत है कई लोग अभी आए हैं ये वही लोग हैं जो बच्चों को समय पे आया करो हाँ <laughs> 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 ना भाई साहब थैंक यू मैं चार लाइनें आपको बता रहा था देखिए एक डॉक्टर ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया शेर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ तो हमें ना खोलना पड़ता यू औजारों के साथ जीवन में एंजॉय के लेवल को बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत अच्छी हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया मुस्कुराना छोड़ दिया मैंने तो पिछले दिनों मोदी जी से पूछा मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है क्या बात है वाह वाह वाह, वाह। वो पिछले दिनों चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा बोले नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं एक आदमी मिला बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया मैंने कहा योगी को आने दे त्रेता युग में ले जाएगा <laughs> एक बार तो गुप्ता जी मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं बोली नहीं मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं <laughs> भूत पिशाच निकट नहीं आवे अगली एक लाइन पे मजा आ जाएगा भाई साहब लाइन सुनना विष्णु दादा लाइन सुनना भाई प्रियांशु एक लाइन पे भाई साहब पहली बार सुनोगे आप भी श्रेष्ठ संचालक प्रवीण शुक्ल जी आपको एक लाइन में मजा आ जाएगा गुप्ता जी बिल्कुल नई लाइन एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी मैंने कहा धन्य हो गए जो सबसे अच्छा आता है बना ले भाई साहब मुंह बनाकर आ गई हाँ, लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी मैंने उसमें पनीर ढूंढा कहीं नहीं था मैंने कहा ये कैसा पनीर बना दिया तूने बोली खोया पनीर मेरा एक आंसू गिरा उसी में टपका मैंने कहा रोया पनीर हो गया मामला बिल्कुल अद्भुत होता है महिलाएं हंस रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं घर पर भी ऐसी रहा मैं <laughs> <laughs> सच बता रहा हूं आपको दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना एक हजार तरीके अपना लो आप महिलाओं को खुश नहीं कर सकते हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं <laughs> हमारा कोई तरीका ही नहीं <laughs> अच्छा महिला अगर आपकी पत्नी हो तो भूल जाओ कि खुश कर पाओगे आप उसको खुश करने के लिए बैंक भी लूट करके ले आओ तो यही कहेगी एसबीआई का क्यों लूटा आईसीआईसीआई IC का लूटना था वहां नए नोट मिलते हैं मामला पूरे देश का अद्भुत है देखिए मैं तो बिहार का हूँ ज्यादा इधर उधर की बात करता नहीं मुझे बहुत अच्छे से याद है प्रवीण जो बिहार का एक लड़का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया जब इंजीनियर बनकर के घर वापस आया तो उसने देखा उसकी मच्छरदानी में छेद है बाजार गया मच्छरदानी नहीं, नहीं लाया वो एक लंबा सा पाइप खरीद के लाया और मच्छरदानी में जहां छेद था उसके ठीक सामने दूसरा छेद किया और बीच में उस पाइप को फंसा दिया अब मच्छर इधर से घुसे उधर से निकल जाए तो बिहारी वो आदमी होता है जो मच्छर के लिए भी बाईपास बना देता है तो हमारा तो मामला बिल्कुल अद्भुत है मैं सच बता रहा हूँ चार लाइन सुनिएगा हॉल देखिए लगभग लगभग 85 टू 90 परसेंट भर चुका है और यह बहुत अच्छा लग रहा है हंसते मुस्कुराते चेहरे पाजी प्रणाम कैसे हो जी चीनी को अभी जमा करूंगा आप सही टाइम पे आए हो बिल्कुल हाँ <laughs> मैंने सच बता रहा हूं मनमोहन जी के बाद इतना हंसता हुआ सरदार जी पहली बार देखा है बहुत अच्छे। <laughs> अच्छा, नहीं सर, देखो जब वो मैडम के साथ थे ना तो वो भी अच्छे हो जाते थे आप भी मैडम के साथ हो <laughs> ये हंसी मजाक की बातें ऐसी चलता रहता है चार लाइन सुनिए आजकल रील्स का बड़ा दौर है आप लोग तो सब रील्स देखते होंगे क्लास में भी देखते हो क्या बच्चों को तो पढ़ाते होगे ना कि भाई मेरी वायरल हो रही है मुझे सब्सक्राइब हाँ। तो स्वागत, स्वागत। अच्छा के वो गाया सरस्वती वंदना सुर में गाता हूं रील बनाने वालों का क्या हाल होता है एक तो मैं फोटोग्राफर को देख रहा हूँ बड़ा मुस्कुरा के मुझे देख रहा है बैठ जा भाई आराम से बैठ जा अच्छा मुझे गुप्ता जी ने कहा शंभू जी कार्यक्रम के बाद कम से कम पांच मिनट रुकिएगा सब आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं तो मैंने इनसे पूछा भाई सब ऐसा क्यों लेना चाहते हैं बोले उनकी अच्छी आती है तो, आप मेरे साथ जो फोटो लेता है उसकी अच्छी आती है बहुत अच्छा तो चार लाइन सुनिएगा रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि नीति जीत हमने मगर मात ले लिए कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए दूल्हा बिचारा रील बनाने में रह गया दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना सलीमान के जैसे भले बीते ये जवानी लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना ये चार लाइनें आप सबको बहुत आनंदित करेंगी इस चार लाइनों का आप लोग मजा लीजिए कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है आधार से हमारे बीच में तीन तीन कवि जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं कुछ विशेष बात है भाई साहब नहीं नहीं अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं वो तो ठीक है विष्णु जी ये कह रहे हैं कि क्या कमाल सुना रहा है वो मुझसे भी कह सकते थे आप अब कुछ तुम, कुछ तुम यहाँ हो ना इसलिए देखो भाई साहब आप सा जो सा कह रहे हो ना कहेंगे मेरी बात सुनो मैं इतना भी बिहारी नहीं हूँ हाँ मुझसे कह रहे थे यार एक बात बता शंभू ये ज्यादातर बिहारी आई एस आई, आई पी एस बनते हैं मैंने कहा देखो बाकियों में जितना दिमाग है ना उतना तो हमारा खराब रहता है <laughs> तो हमारा तो मामला लेकिन ये हंसी की बात है आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो और सच बता रहा हूं मैं तो महिलाओं को जब भी हंसते हुए देखता हूँ ना इतना अच्छा लगता है मैं तो ट्रेन में आ रहा था बीच वाली बर्थ पर सो रहा था ऊपर पे तीस चालीस नीचे पे अस्सी नब्बे तो तीस चालीस ने अस्सी नब्बे से पूछा बोली बहन तेरी उम्र क्या है अस्सी नब्बे बोली अड़तीस चालीस अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है बोली अट्ठारह बीस मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा बोली भाई साहब क्या कर रहे हो मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश बहुत अच्छे अब उस पैदा होने की कोशिश में मैं नीचे गिर के सामने बैठ गया वो महिलाएं भी सामने बैठ गई और सब लगी हुई मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो बोली ऐसा करने से नए वालुक उगते काले घने लंबे बड़े होते तुम भी करो दूसरी भी लगी हुई मैंने कहा बहन जी क्या कर रही हो बोली ऐसे करने से नए बाल उगते काले घने लम्बे बड़ो थे तुम भी करो तीसरी भी कर रही थी चौकी चौथी कुछ नहीं कर रही मंकी कैप पहन के बैठी हुई आंखें आंखें दिख रही हाथ पीछे मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे ऐसे बोली भाई साहब करती थी अब छोड़ दिया <laughs> मैंने कहा <laughs> क्यों छोड़ दिया बोली दो साल ज्यादा कर लिया मुझे निकल आई बहुत अच्छे तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है मैं तो देख पा रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं मुझे घूर घूर कर देख रही हैं इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है वो मुझे देखकर लगातार यही सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंका है